अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक बार यूट्यूब चैनल यू बी बाई से के ब्लॉग के अंदर। और हम असम के अंदर हैं इस टाइम, और ये असम का वीडियो है। तो मैं जगह जगह के ब्लॉग बना रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना असम का भी ब्लॉग बनाया जाए। ये असम का जंगलात है, ये असम का जंगल है, ये देखिए ये असम का जंगल है। और इस टाइम हम रोड पर चल रहे हैं, ये हाईवे है और इधर भी सब जंगली जंगल है। और चलिए तो बात करते हैं आतिफ भाई से कि आतिफ भाई बताएंगे कि हम किस टाइम तक पहुंच जाएंगे। वैसे गाइस, कल का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कल आतिफ भाई आज बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, तो आतिफ भाई बता रहे थे कि हम मॉर्निंग में सुबह 7 बजे नागालैंड के बॉर्डर पर पहुँच जाएँगे। और कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि कल हम जो है नागालैंड के अंदर एंट्री करेंगे। क्योंकि कल का ब्लॉग इतना खास होने वाला है, क्योंकि जिस लिए मैं आया हूँ कि मैंने सुना है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि नागालैंड की भी ब्लॉगिंग की जाए, और नागालैंड के ऊपर भी नागालैंड के लोग होते हैं उनके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाया जाए। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो लोग हमारे से कॉपरेट करेंगे, बात करेंगे, तो कोशिश करेंगे एक बार बात करने की। और रास्ते का पूरा फुल वीडियो मिलेगा, एंड बाकी जो वीडियो रहेगा, क्योंकि नागालैंड के अंदर नो एंट्री खुलेगी शाम को 7 या 9 बजे के समथिंग खुलेगी नो एंट्री। पूरे दिन तो हम इसे ही लेंगे बॉर्डर के पास, बाकी हाँ 3 किलोमीटर पहले रुकेंगे हम मॉर्निंग में, या जिस टाइम हम फ्री होंगे वहाँ पर जाके हम बॉर्डर का ब्लॉग एक बॉर्डर का ब्लॉग बना लेंगे। उसके बाद जो हम दूसरा जो ब्लॉग बनाएंगे वो ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ रात में ही बनेगा, क्योंकि नो एंट्री रात में ही खुलेगी, क्योंकि उसके आगे रास्ता जो होता है वो सिर्फ सिटी से होकर जाता है, ना ही कोई हाईवे है और ना ही कुछ, सिर्फ और सिर्फ एक सिटी है, सिटी के अंदर से होते हुए जाएंगे। हाँ तो चलते हैं फिर, आतिफ भाई से बात करते हैं, आज आतिफ भाई बताएंगे कि हम किस टाइम तक पहुँच जाएंगे और किस टाइम तक हम स्टे करेंगे और खाना वगैरह क्या खाएंगे। अभी तक तो कुछ खाया नहीं है, बस समथिंग 12 बजे के टाइम भूख लग रही थी, तो हमने जिस टाइम हमने असम के अंदर एंट्री ली थी तो उसी टाइम हमने चिकन बिरयानी खाई थी। चिकन बिरयानी खाने के बाद एक जगह हम होटल पे रुके भी थे, वहाँ फ्रेश हुए, हमने सोचा कि यहाँ पर खाना खाएंगे, पर वहाँ पर जब हमने पूछा कि खाने में क्या क्या है, तो उन्होंने बताया खाने में तो सब कुछ था, बट एक चीज़ नहीं थी, वो थी रोटी, क्योंकि हमें खाना थी रोटी। हम चावल खा के गए, बोर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने तहरी भी बनाई थी, आतिफ भाई ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर तहरी बनाई थी, तो हमने तहरी खा ली थी और जो बची थी वो ख़राब हो गई थी, बाकी वो तहरी हमने थैली में करके फिर मछलियों को खिला दी, पानी के अंदर डाल दी थी मैंने, तो फिर वो मछलियों को खिला दी। उसके बाद जब से अभी तक कुछ नहीं खाया है, बहुत जम के भूख लग रही है, और आज तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। बस गाइस, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप पता नहीं आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हो और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और ना ही मेरी वीडियो पर इतने लाइक्स आ रहे हैं। बस आपसे इतना ही तो कह रहा हूँ मैं कि वीडियो पर मेरी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इस टाइम असम की सिटी है, ये असम की सिटी है, ये असम की सिटी आप देखेंगे, असम की सिटी कैसी है। यहाँ के लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, मतलब ये कोई स्टाइलिश नहीं, कुछ नहीं, ये शायद सिटी जो है, ये जो होती है ना, ये गाँव की सिटी जो होती है, जिसके हमारे यहाँ यूपी में गाँव होते हैं, वैसे ही उसी टाइप में सिटी है ये। और इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन तो हम पीछे पार कर कर आ गए, क्योंकि उस टाइम हमारे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, हमारा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, नहीं तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाता। कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं जब वहाँ से नागालैंड से बैग जब वापस आऊँगा, तो पक्का पक्का वाला प्रॉमिस, मैं उस सिटी का भी ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगा और अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर डालूँगा और अपने इंस्टा और फेसबुक पर उसकी शॉर्ट्स ज़रूर डालूँगा। लिंक आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और बताएं मुझे अपना थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस है, और बताएं कि कौन सी ऐसी जगहें घूमने की जहाँ आप लोग जाना चाहते हैं पर आप नहीं जा पाते और किसी वजह से नहीं जा पाते हैं,
तो आप मुझे बताएं, मैं उस जगह जाऊंगा, जाने के बाद उस जगह को देखूंगा, उसके उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। ब्लॉग बनाने के बाद आपको वो वीडियो मतलब अपने चैनल पर वो अपलोड करूंगा और आप वो वीडियो देखिएगा। फिर उसके बाद आप वहाँ पर घूम के आइएगा, मैं आपको बताऊँगा कि वो जगह कैसी है, क्योंकि अभी तो आज तो हम फ्रेश हुए हैं और फ्रेश होने के बाद मैं बैठा हूँ बनियान और शॉर्ट्स में और गले में गमछा डाल रखा है, बिल्कुल देसी टाइप में, बिल्कुल देसी टाइप देसी लुक है इस टाइम। और आगे भाई ने तो पूरे कपड़े पहन रखे हैं। आगे भाई कैबिन की लाइट जलाइए ना, आगे भाई एक बार सारे भाइयों से बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरी बात तो कोई मानने को तैयार नहीं है, शायद आपकी ही कोई बात मान ले, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप भी बोल दिए अपने आप बोल दिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाई लोगों, आप लोगों से बहुत गुजारिश है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं फिलहाल, आप लोग हमें आगे बढ़ाने की इंतजाम करें, हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब करें, इतना सब्सक्राइब करें बहुत। देखिए ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं और ये मेरा बनियान है और ये मेरा शॉर्ट्स है और ये आकिब भाई का है। ये तो आकिब भाई का तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ब्लैक है इस वजह से। और आकिब भाई का तो देख लिया, एक बार आप मुझे भी देख लिए, मैं देखिए कुछ ऐसी कंडीशन में हूँ उस टाइम। ये बस गर्मी लग रही थी यहाँ, थोड़ा सा मौसम भी ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ना सैंड बनियान और शॉर्ट्स पहना जाए और गले में गमछा डाला जाए। तो आप वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तब तक आकिब भाई से मैं बात करता हूँ और आकिब भाई बताएंगे। आकिब भाई हम किस टाइम पहुँच जाएंगे ये बताइए पहले, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं हमें गाड़ी पर, हम 4 दिन से गाड़ी पर हैं, 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और मैं तो थक चुका हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ यहाँ पर। कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। कल सुबह किस टाइम पहुँच जाएंगे? 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। कल सुबह 6 बजे तक, रात भर रेगुलर गाड़ी चलेगी? रेगुलर। अभी नो एंट्री किस टाइम हटेगी? 9 बजे नो एंट्री हटेगी। और अभी हम इस टाइम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं हम? रंगिया। वहाँ पर 40 किलोमीटर गुवाहाटी से कितना है? 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहले। अच्छा, तो आगे भाई एक बात और बताइए कि आप थकते नहीं हैं गाड़ी चलाते हुए? गाड़ी तो मैंने भी चलाई, मैं तो थोड़ा थोड़ा बोर हो गया था, मैं थक भी गया था। और आपने शायद मेरी वीडियो बनाई थी, वो मैंने अभी अपलोड नहीं की अपने चैनल पर, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन ही है, उससे ही मैं बना रहा हूँ, ना ही मेरे पास कोई कैमरा है, ना ही मेरे पास लैपटॉप है। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जब मैं घर वापस आऊँगा तो मैं लैपटॉप भी ले लूँगा और कैमरा भी ले लूँगा, बट अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बस ये है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि हमारे बहुत सारे यूपी के अंदर रहने वाले हमारे जो भाई हैं वो कहते हैं कि नागालैंड के अंदर कुछ अच्छा नहीं होता, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे हम लोग कैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं या हमसे कैसे बात करते हैं। और जहाँ तक कि मैंने तो सुना है कि नागालैंड के अंदर कहते हैं कि हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर वहाँ पर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर सुना है मैंने भी और सारे फ्रेंड्स वगैरह वो यही कहते हैं कि अगर वहाँ पर कोई इंसान बीमार हो जाए तो वो इंसान को काट के खा जाते हैं, या कुछ जैसे कि किसी को छींक आ जाए, फीवर हो, या कोई उम्र दराज जैसे कि कोई अंकल होते हैं या दादा टाइप में होते हैं उनको भी। आगे भाई आप इतनी बीड़ी क्यों पीते हैं ये तो बताइए। बगैर गाड़ी नहीं चलती है, इसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी आपसे। आगे भाई एक बात बताइए, आप इतनी बीड़ी पीते हैं अभी तक? ओनली स्मोकिंग। एक बात मुझे बताइए आगे भाई, आप इतनी बीड़ी पी रहे हैं, आपने आधा टुकड़ा ख़त्म कर दिया बीड़ियों का, आपको कुछ मतलब फील ही नहीं होता? इतनी बीड़ी मत पिया करिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है ये बीड़ी, आपको पता है ना। और ये देखिए आदिल भाई, क्या करा जाए अब, ये समझिए गाड़ी पे चलने लगते हैं, आदत ज़्यादा ही बन गई है इसकी, और इस बगैर गाड़ी भी नहीं चल पाती, इसके बगैर गाड़ी भी नहीं चल पाती। ये देखिए मुझे मालूम है, इस टाइम इतना हूँ मैं फिलहाल, तो मैं आपका साथ देने के लिए हूँ, तो आपने दिया, मगर गाड़ी तो ज़्यादा खींचनी पड़ रही है, सफ़र तो देख लिया मैं कितने दिन हो गए। हाँ, 4 दिन हो चुके हैं आज हमें चलते हुए, रेगुलर चले रहे हैं और अभी तक खाना भी नहीं। 3 दिन का सफ़र और बाकी है, 3 दिन का सफ़र और बाकी है, 4 और 3 7 दिन इसका मतलब। ओ माई गॉड,
आगे। अच्छा ये बता सकते हैं खाना वगैरह कैसा मिलता है कुछ इस बारे में बता सकते हैं? खाना पड़ेगा, खाना सही नहीं है, खाना सही नहीं है, अपना ही बनाना पड़ेगा। तो आप हमें क्या खिलाएंगे बनाकर ऐसा कुछ नया? जो भी आप बना लें वो खाना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप मेरे लिए सिर्फ दाल बना लें, मुझे दाल बहुत पसंद है। दाल सब्जी सब मिलेगा मगर बनाना आपसे पड़ेगा, इन लोगों के बर्तन तो में खा नहीं सकते। अच्छा इन लोगों के बर्तन में क्यों नहीं खा सकते बता सकते हैं आप कुछ? ये उसी बर्तन में सुबह बनाते हैं, वो मामू जो जिसे कहते हैं वो बनाते हैं। ओहो तो सॉरी गाइस, हमारे यहाँ तो नाम भी नहीं लेते क्योंकि हम उसे खाते नहीं हैं, बताओ बताओ। हमारे यहाँ तो नाम भी लेना हराम है उसका, हम तो उससे बहुत दूरी रहते हैं, तो इसलिए हमें अपना ही बनाना पड़ेगा। शायद हमारे पास पूरा सामान है, मैं आपको कल इसका ब्लॉग बनाऊंगा। अगर कल हमें अपना ही खाना बनाना पड़ेगा, जी अपने बनाना, तो कल मैं ब्लॉग बनाऊंगा खाने के ऊपर ही, और मैं आपको पूरा वीडियो दूंगा खाने से, खाना बनाने से लेके खाना खाने तक का पूरा वीडियो मैं कल दूंगा आपको अपने चैनल पर। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी वीडियो को शेयर करें। और बस ये वीडियो जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ उन भाइयों के लिए कर रहा हूँ जो भाई कहते हैं कि बाहर निकलने के बाद कुछ अच्छा नहीं, ये बात हकीकत है। यूपी के अंदर बहुत सहूलत है, यूपी छोड़ने के बाद कुछ नहीं है, यूपी छोड़ने के बाद ना ही आपको खाना अच्छा मिलेगा और ना ही पानी, क्योंकि समथिंग अभी तक मैं बता सकता हूँ कि हम एक से 1500 रुपये तक का अभी तक पानी पी चुके हैं। क्यों? आगे भाई 1500 रुपये का पानी हम खरीद चुके हैं, नहीं खरीद चुके हैं बाहर से, ये सब नीचे बॉटल ही बॉटल पड़ी हैं, क्योंकि मैंने आगे भाई से इस चीज़ को पहले ही बोल दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ बाहर का ही पानी पीऊँगा, बाकी मैं वहाँ का पानी नहीं पीऊँगा। तो आगे भाई ने इस शर्त पर मुझसे कहा था कि ठीक है हम सिर्फ़ और सिर्फ बाहर का पानी पियेंगे, बाहर से ही बॉटल ख़रीदेंगे और बाहर से ही पानी पियेंगे। अभी हमारा पानी ख़त्म हो चुका है, बस ये हमारी एक छोटी सी बॉटल बची है, और या फिर देखते हैं अगर कोई पेट्रोल पंप आएगा, या फिर जहाँ हम रुकेंगे, जहाँ स्प्रे लेंगे वहाँ पर पेट्रोल पंप होगा, तो वहाँ पर ही हम बॉटल भरने की कोशिश करें, क्योंकि पेट्रोल पंप पर पानी जो होता है वो मिनरल वाटर ही होता है, और ज़्यादातर अगर हमें टॉयलेट वगैरह आती है या फिर वॉशरूम जाना होता है या फ्रेश होना होता है, या तो हम पेट्रोल पंप जाते हैं, पेट्रोल पंप पर हम गाड़ी रोक लेते हैं, वहाँ वॉशरूम चले जाते हैं, तो और अगर हमें नहाना होता है तो, या फिर हमें ढाबे पर रुकना पड़ता है, वहाँ अगर बाथरूम होता है तो ठीक है, और बाथरूम नहीं होता है तो फिर नल पे ही खड़े होकर नहाना पड़ता है। क्योंकि मैं तो आज तक नहीं नहाया, क्योंकि मैं तो घर में बाथरूम में ही नहाता हूँ, ना ही मैं कभी इतना बाहर निकला हूँ, और अगर कभी बाहर निकला भी हूँ तो पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ निकला हूँ, अपने साथ हर एक चीज़ लेकर चलता हूँ, जैसे कि ट्यूब वगैरह, हर एक चीज़ जो मेरी ज़रूरत के लिए होती है वो मैं हर एक चीज़ लेकर चलता हूँ। क्योंकि रात का टाइम होने वाला था, मैंने सोचा कि एक ना एक ब्लॉग और बनाया जाए और अपने चैनल पर अपलोड किया जाए, क्योंकि कल वाला मैंने ब्लॉग बनाया था वो पता नहीं आप लोगों को देखने को मिला या नहीं मिला, मेरे पास तो शो नहीं हो रहा है, पता नहीं और भाइयों के पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा, पता नहीं, शायद हो सकता है कि मुझसे अपलोड करते टाइम कोई गलती हो गई थी, तो इस वजह से शायद वो चैनल पर शो नहीं हो पा रहा है। मेरे पास कॉन्टेंट में वाई टी में शो हो रहा है, बट उसके अंदर भी कुछ इतना खास व्यूज़ नहीं है। और बाकी अब हम चलते हैं अगले ब्लॉग की तरफ, और ये वीडियो आप वॉच करते रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसकी आपको तलाश हो। और ये वीडियो जो है ज़्यादातर उनके लिए है, जैसे कि जो हमारे ट्रक वाले भाई होते हैं उनके लिए वीडियो बनाया गया है, ये उनके ही लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो और ट्रक ड्राइवर भाई हैं उनको खाना अच्छा नहीं मिल पाता है। रास्ते में जितने भी मेरे ट्रक ड्राइवर जो भाई होते हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वॉशरूम की है, क्योंकि वॉशरूम के लिए अगर कोई ऐसी जगह होती है जिस जगह खेत खलिहान है या फिर जंगल वगैरह है, तो हमें जंगल में ही वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। बाकी हम अगर हम डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकेंगे तब ही हम वॉशरूम वहाँ का यूज़ करते हैं, बाकी हम खेत में चले जाते हैं। तो मैंने तो एक ढाबे पर कल रुके थे क्योंकि हम बिहार के अंदर थे, तो एक ढाबे पर हम रुके थे, क्योंकि कल मैं मॉर्निंग में ही फ्रेश हुआ था समथिंग 7 बजे के टाइम, तो
जब मैं वहाँ पर रुका था तो मुझे वॉशरूम आ रहा था, तो मैंने उन अंकल से कहा था कि मैं, अंकल जी आप मुझे बताइए कि अगर मुझे वॉशरूम आ रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या टॉयलेट वगैरह यहाँ अवेलेबल है। तो वो बोले मुझसे कि बॉटल ले लिए, और बोले कि बॉटल ले लिए, बॉटल लेने के बाद आप ऐसा करिए कि जंगल में चले जाइए। तो मैंने बोला कि भाई नहीं, मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं होने वाला, पता चले कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ पीछे से सांप आए और काट ले, मैं तो स्वर्ग सुधार दूँगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं वॉशरूम अपना रूक लूँगा, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मुझे सहूलत होगी। तो समथिंग कल मैंने 7 बजे से दोपहर में जाके 1 बजे के टाइम पेट्रोल पंप पर हम रुके थे डीजल लेने के लिए, तो मैं वहाँ वॉशरूम पर गया था। बाकी ये देखिए कि ये हमारी आसाम की सिटी है, और मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पर चाय की पत्ती की खेती होती है, मुझे तो अभी तक दिखी नहीं कहाँ होती है इसकी खेती, बट हो सकता है कि यहाँ पर अभी हम गाड़ी रोकेंगे तो हम बात करेंगे, पूछेंगे किसी भाई से, तो कोई भाई हमें बताएगा कि यहाँ पर चाय की पत्ती की खेती होती है क्या। तो ये तो सब मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने जो खेती है सिर्फ चावल की है शायद। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रोटी खाते ही नहीं है लोग, यहाँ पर सिर्फ चावल ही खाते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चावल खाएंगे साल के 12 महीने, यहाँ रोटी कोई नहीं खाता। मेरे उन भाई से बात हुई थी तो जो ढाबे के मालिक थे उनसे मैंने पूछा था, तो वे बोले कि भाई यहाँ पर हम चावल नहीं खाते, वो चावल खाते हैं रोटी नहीं खाते। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बोले यार यहाँ शुरुआत से ही हम लोग चावल खाते हैं, और हम लोग जो हैं हम रोटी को इतना पसंद नहीं करते। बाकी बोले जैसे कि आप आते हैं, आप तो ब्लॉगर हैं, आप तो आपका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था, तो मुझसे बोले कि जैसे कि आप लोग होते हैं तो या आपके लिए तो हम अपनी स्पेशली बना देंगे, या फिर हमारे यहाँ तंदूर लगा हुआ है तो वो हमारे यहाँ कारीगर है, वो जैसे कि गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक वगैरह रुकते हैं, ड्राइवर भाई रुकते हैं खाना खाने के लिए, तो हम उनके लिए स्पेशली उससे रोटी बनवा देते हैं। क्योंकि यूपी के जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं, या राजस्थान के या दिल्ली के या मुरादाबाद के या मतलब पूरे ऑल इंडिया में कहीं के भी हैं, वो वहाँ पर वो लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोटी खाना पसंद करते हैं। क्योंकि रोटी में आपको पता है कि कितनी कैलोरी होती है, गेहूँ के अंदर कितनी खाना होती है, ये पता नहीं, ये शायद चाय की पत्ती की खेती है या चावल की है, मुझे पता नहीं है। खेती बहुत छोटी सी है अभी, छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है, ये सब पीछे का एक जंगल है। और ऐसा जंगल हम वैसे आतिफ भाई हम कितना चल चुके हैं अभी तक आसाम बॉर्डर से? आसाम बॉर्डर से हम चल चुके हैं 200 किलोमीटर, अभी तक हम 200 किलोमीटर चल चुके हैं, और 200 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही जंगल मिला है हमें देखने के लिए। बाकी हमें रिहाइश के इलाके जो होते हैं, जैसे कि जो लोग जो रहते हैं, बस छोटे छोटे से ऐसे ही घर मिलते हैं, बाकी उनके पीछे सब जंगल ही जंगल होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। थोड़ी वीडियो बनाने में परेशानी हो रही है, इसलिए रेगुलर ब्लॉग नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, वरना मैं तो रेगुलर ही ब्लॉग देता अगर मेरे पास सारी चीज़ें पूरी होती। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फ़ोन है, बाकी इसके अलावा मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है। अब मैं घर जाऊँगा, घर जाने के बाद तब लैपटॉप लूँगा, फिर उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करूँगा और अपने यूट्यूब चैनल पर उससे ही मैं आपको सारी वीडियो अपलोड करूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो उस लैपटॉप से ही अपलोड करूँगा। और बाकी हो सकता है आपको कुछ नई वीडियो देखने को मिल जाए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल मेरा हम आकिब भाई ने और मैंने हम तो काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स हैं, समथिंग हमारा बचपन साथ में ही कटा है। तो हमने एक हमारा फ्रेंड्स है काशिक, उसने भी पहले एक यूट्यूब चैनल बनाया था, तो हमने उस चैनल पर हमारी वीडियो अपलोड हुई है, मैं उस चैनल का नाम नहीं बताऊँगा, उस चैनल पर हमारी वीडियो अपलोड हुई है, उस वीडियो को मैं निकालूंगा वापस से और उसे अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। क्योंकि उस वीडियो में भी हमने, उन वीडियो में भी समथिंग 3 या 4 वीडियो हैं, उसमें हमने बहुत मेहनत की है, इतनी नहीं बहुत मेहनत की है उन वीडियो में, पर थोड़ा सा काम की वजह से हमने यूट्यूब छोड़ दिया था, इस वजह से हमारा चैनल नहीं चल पाया, वो बंद हो गया चैनल। तो इस वजह से मैंने नया चैनल चालू किया है, ये मेरा नया ब्लॉग है, ये मेरा नया चैनल है, और बस मैं आपसे दुआ करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो शॉर्ट्स वीडियो जैसे कि जो हमारे फ्रेंड्स या ड्राइवर भाई हमारे जो हैं वो हमारी शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहते हैं, वो आपको पता है कि कहाँ मिलेंगी, वो हमारे यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, इंस्टा पर भी, और
फेसबुक पर भी और मौज ऐप पर भी मिल जाएगी, और लिंक आपको पता है कि कहाँ मिलेगा, लिंक हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ये देखिए ये पूरा जंगल है, यहाँ के लोकल आदमी से हमने इतनी ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि शायद हो सकता है कि उसे बुरा लग जाए उनसे बात करते हैं इसलिए, और ना ही हम ज़्यादा रुक रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है नहीं। अगर हम रुकेंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, ऑलरेडी हम 2 दिन लेट हैं। हाँ कि भाई हम ऑलरेडी दो दिन लेट हैं इसलिए हम ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं। बस ये है कि आप लोग साथ देते रहिए और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए ब्लॉग बनाते रहेंगे और नई नई वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। और हो सकता है कि अगला वीडियो हमारा गुजरात का हो, या हो सकता है कि अगला वीडियो हमारा कलियर शरीफ का हो, या हो सकता है अगला वीडियो हमारा अजमेर शरीफ का हो। वैसे मेरे चैनल पर अजमेर शरीफ की भी वीडियो है, वो भी मैंने अपलोड की थी, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। और जो हमारे अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है, मुबारक है, उसको आप सलाम कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा एंजॉय करें। उसमें गौसे आज़म ने जहाँ पर चिल्ला खींचा था, गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जहाँ पर अजमेर शरीफ में चिल्ला खींचा था, वो जगह भी मैंने दिखाई है, वो जगह भी है। बाकी अगर अब हम जाते हैं समथिंग 3 दिन और लगेंगे, 3 दिन के बाद 7 दिन साथ में। ये देखिए शायद मस्जिद है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है। बाकी 3 दिन और लगेंगे, 3 दिन के बाद 7 दिन हमें वापस आने मिलेंगे। 7 दिन के बाद जब वापस आएंगे तो हो सकता है कि मैं आपके भाई के साथ गुजरात जाऊं, या फिर हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कलिया शरीफ चला जाऊं, या फिर अजमेर शरीफ चला जाऊं, या फिर लखनऊ बाराबंकी चला जाऊं, देखते हैं। बाकी तो अभी तो कुछ प्लान नहीं है, बाकी अगला प्लान जैसे भी होगा वो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट्स वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप वीडियो वॉच करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। और आगे भाई वैसे हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे, अब जहां हमें गाड़ी रोकना है और जहां हम रुकेंगे वहां हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? आधा घंटा। यार बहुत तेज़ों की भूख लग रही है, वहां कुछ खाने का मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बता दो। बहुत तेज़ों की भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है सुबह से, बहुत तेज़ों की भूख लग रही है। अरे आपका तो पेट भर जाता है, आप तो बीड़ी पी के पेट भर लेते हो, हम बीड़ी थोड़ी ना पीते हैं, हम बीड़ी पी के पेट थोड़ी ना भरते, हमें तो बीड़ी पसंद ही नहीं आती, इतनी थोड़ी नहीं करती। भाई आपके बस की बात है कि आप बीड़ी पी के पेट भर रहे हैं, आपने तो देखिए सुबह से 2 बंडल पी चुके हैं, अभी तक आपने खाने की जगह बीड़ी पी ली, आपका पेट भर गया। बस यहाँ पर एक ही परेशानी है, वो है खाने की, खाना बस। हाँ मैंने सुना है कि यहाँ पर शायद मच्छी और चावल बहुत फेमस है, यहाँ आसाम के मच्छी और चावल बहुत फेमस है। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं वेस्ट बंगाल की ज़रूर वीडियो ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगा। वेस्ट बंगाल का वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इस वजह से नहीं बना पाया था कि रात का टाइम था, इस वजह से कुछ समझ में भी नहीं आता और वीडियो भी क्लियर नहीं आ पाती। जब भी शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए और ब्लॉग बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया जाए, ताकि हमारे जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं और हमारे वैसे भी और भाई जो हैं वो भी हमारी वीडियो वॉच कर सकें और वीडियो देख सकें, क्योंकि घूमने फिरने का शौक़ हर किसी को होता है। और जब हम नागालैंड के अंदर एंट्री करेंगे तो वहाँ की तो पूरी फुल वीडियो मैं बनाऊँगा, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि आकिब भाई बता रहे थे कि जब हम नागालैंड की चढ़ाई करेंगे तो हमारी गाड़ी में एक गार्ड बैठेगा, वो पुलिस वाला होगा, आगे जीप चलेगी। तो मैंने पूछा कि भाई कि वीडियो बना सकते हैं, तो हमारे भाई ने कहा कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते, किसी कीमत पर वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने सोचा कि कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, अगर नहीं बन पाई तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो मैं बनाऊँ, उन लोगों को आपको दिखाऊँ जो लोग ऐसे होते हैं। मैंने वही आके भाई वो लोग कितने ख़तरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मतलब आप बता रहे थे कि उनसे गलत बात बोल दो तो मारने पर उतर आते हैं, इसलिए हम तो बोलते नहीं। हमारे साथ जो एक बंदा होता गाइड जो चलता है साथ में, हाँ वही बात करता है, उनका पैसा लेन देन सब वही उसी को करना होता है, उसी को ही करना होता है, आप कुछ नहीं करोगे। एक्स्ट्रा पैसा जाता है हमारा, पैसे जाते हैं, कितने पैसे जाते हैं बॉर्डर से?
बॉर्डर पे जाता है 22,000। 22,000 रुपये बॉर्डर पे जाएंगे और उसके बाद? उसके बाद कहीं नहीं, हमें वहाँ लेकर भी जाएगा और लेकर भी आएगा, वहाँ लेकर भी जाएगा और लेकर भी आएगा। वहाँ से हम रिटर्न किस टाइम होंगे? वहाँ से हमारा माल खाली हो जाएगा जिस दिन में, तो हम शाम को रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, हमारा सफर बॉर्डर पर आ जाएगा रात। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे कि अगर हम वहाँ की वीडियो बनाना चाहते हैं या उन लोगों की वीडियो बनाना चाहते हैं तो छुप कर तो वीडियो बना सकते हैं ना, कि उनको पता ना चले कि हमने वीडियो बना ली है? बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी वीडियो बना रहे हैं। और अगर उन्हें पता चल गया है कि हमारी वीडियो बन रही है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आप बता रहे थे कि उन्होंने एक बार बम वगैरह बांध दिया था ऑयल के टैंकर में। ऑयल के टैंकर में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ये रिक्स लूँगा, बट आपको मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने भाई का साथ दें। आप अपने भाई का साथ देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप मेरा साथ देंगे तो आप मेरा साथ दें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये सारा रिक्स मैं लेने को तैयार हूँ, मैं पूरा रिक्स लूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि करीब से करीब जाकर मैं वीडियो बनाऊँ और वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को दिखाऊँ कि वो लोग दिखने में कैसे होते हैं। मैंने तो सुना है कि वो शायद वो उनके हाथ में भाला होता है और वो कछरा बनिया वो जो होते हैं, वो पत्ते जो होते हैं शायद उसी टाइप में होते हैं वो लोग। मुझे पता नहीं, मुझे कन्फर्म नहीं है। अब मैं जाऊँगा तो देखूँगा, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो यही कहते हैं कि वो पत्ते वगैरह बांधते हैं और बाकी ऊपर के जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं और उनके हाथ में भाला होता है। वो उनकी शायद लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। वो हिंदी तो समझते नहीं है, हिंदी बंगाली या गुजराती मराठी कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं उनकी लैंग्वेज ही अलग है। बाकी आप जब तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, और अंधेरा होने वाला है और ये ब्लॉग मैं यहीं बंद करने वाला हूँ। और बाकी मैंने सारी बातें तो ब्लॉग में बोल दी हैं और ब्लॉग में बता दिया है। बाकी आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना ही काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।